नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीज़न। अभी हम गौतमपुरी इलाके में हैं और ये इलाका पड़ता है, वार्ड नंबर पड़ता है 226, और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वार्ड 226 में कौन आ रहे हैं, किनकी कौन इस वार्ड को जीत रहे हैं, क्योंकि इस बार इस वार्ड से बीजेपी के भी प्रत्याशी खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी खड़े हैं, और यहां तक कि कांग्रेस के भी प्रत्याशी खड़े हैं। सभी मजबूती से लड़ रहे हैं, हम जनता के बीच हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार इस वार्ड को कौन जीत रहा है। यहाँ पे मेन मुद्दा जो साफ सफाई का है, 15 साल से यहाँ बीजेपी की काउंसिलर थे, उन्होंने काम नहीं किया। अब जो ये नया लड़का साहिल कांग्रेस पार्टी से आया है, हम इसको सपोर्ट करना चाहते हैं और इसको वोट देंगे। अच्छा, हाँ जी, क्यों वोट दे रहे हैं? क्यों वोट देंगे? साफ सफाई का मुद्दा, अच्छा, लाइट का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी की थी वो। किस तरह का उन्होंने कार्य किया? उनका कोई कार्य नहीं रहा, वो कभी पलट के इधर को आती नहीं, अगर कभी जाते तो सुनते नहीं किसी काम को, काम ही नहीं किया उन्होंने कुछ 10 साल तक रहे। उस हालांकि वो मेयर भी बनी, उन्होंने यहाँ इलाके में काम नहीं किया कुछ भी। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, किस तरह का काम हो रहा है? वो यहाँ पर उनका कोई जनाधारी नहीं है, यहाँ तो कांग्रेस का मामला चल रहा है सारा, और सारे लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। यहाँ किसके विधायक हैं अभी? यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, कांग्रेस का जनाधार है। हाँ जी, कांग्रेस का जनाधार चल रहा है, अभी चल रहा है मौजूदा टाइम। चलिए, क्या नाम हुआ है सर आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, क्या लग रहा है, इस बार दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है, किसका मेयर बनेगा इस बार दिल्ली में? कौन सी पार्टी अपना मेयर बनाएगी दिल्ली में? कांग्रेस बनाएगी ये कह रहे हैं, इसलिए कांग्रेस बनाएगी? नहीं, कांग्रेस है, आनी भी चाहिए, अब काफी दिन होगा कांग्रेस को। अच्छा, बिछड़े हुए। अच्छा, अब काम तो पुराने कांग्रेस ही है। अच्छा, बाप दादा सारे कांग्रेस ही थे, कांग्रेस को देते आए। अच्छा, तो हम खुद भी चाहते हैं कांग्रेस अब आनी चाहिए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अखलाक। अखलाक साहब जी, अच्छा, क्या क्या लगता है इस बार वार्ड नंबर 226 में किस तरह का काम किया गया है शर्मा जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, 10 साल मेयर रही है, मेयर रहने के बाद में ये गलियां उन्होंने सड़ा दी थी। हमारे यहाँ पे एक डला बनवाया था भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि पार्क में गली नंबर 21 के पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल जस्ट सामने है, कोई काम नहीं किया। यहाँ पे कूड़े में आग लगा दिया करते थे, बुजुर्ग लोग हमारे जो हैं वो घरों के अंदर जो रहते थे वो ऑक्सीजन इनको क्लियर नहीं मिलता था, दमे के शिकार हो गए, इनको हम लोग हाथों में उठा के हॉस्पिटल एडमिट कराया है हम लोगों ने, और अब जो है साहिल शर्मा हमारे पास आया है, अब हम इसको जिताएंगे। साहिल शर्मा, क्या नाम हुआ? मोइन। नौजवान हो, पढ़ाई वगैरह करते हो या नहीं? जी, पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? मैं LLB कर रहा हूँ। LLB कर रहे हो, कहाँ से? मैं कर रहा हूँ मोहन नगर IIT से। ठीक है ना, ये बताओ, वोट डालते हो? जी, वोट डालता हूँ। किसको इस बार, किसका मेयर बनेगा पूरे दिल्ली? इस बार कांग्रेस का बनेगा, कोई टक्कर पे नहीं है कांग्रेस के, क्योंकि 15 साल बीजेपी ने राज किया, कोई यहाँ पर फायदा नहीं हुआ। आप देख सकते हो कूड़े के ढेर लगे हुए, सत्या शर्मा ने यहाँ 10 साल राज किया और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आप जानते हो कि यहाँ पर एक कूड़ा गत्ता था जिसकी ये बात कर रहे थे, जला दिया करते थे लोगों को, दमे की बीमारी उससे बहुत को हुई। तो आम आदमी का भी यहाँ कोई दिखाया हुआ नहीं, कुछ ही नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि आम आदमी का कोई यहाँ पर आके देखने वाला नहीं है। अनिल जो भी प्रत्याशी, हम तो नाम भी नहीं जानते, उनकी शक्ल नहीं देखी है, उन्हें टिकट दे दिया है। साहिल रियासत यहाँ गलियों गलियों में मेहनत कर रहे हैं और वो एक नौजवान है, उन्हें इस बार मौका देना चाहिए साहिल रियासत को, क्योंकि उन्हें मौका देंगे तो जब ही तो पता लगेगा कांग्रेस को एक बार मौका दिया जाए। 15 साल से बीजेपी राज कर रही है, इस बार कांग्रेस को मौका दिया जाए, जब ही तो पता लगेगा कि कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं, और कांग्रेस करेगी। बहुत बेहतर वकील बनोगे आप। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शमशाद है। शमशाद साहब, ये बताइए सर, आप इसी वार्ड नंबर से हैं, 226 से, क्या लग रहा है इस बार आप लोग किसे चुन रहे हैं? आप आंखों से तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितना, किस तरीके से गंदगी है यहाँ पे, बहुत गंदगी है सर। जी, भारतीय जनता पार्टी से जब से यहीं पे गंदगी है, अब हमने यहाँ पे चुना है रियासत साहिल को, ठीक है, बड़ी मुद्दत के बाद ऐसा दिन दिखाया है और इंशाल्लाह साहिल रियासत को जिताना है। लोग आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं? हाँ जी, आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं? कांग्रेस, बीजेपी को? कांग्रेस को चुन रहे हैं। रियासत साहिल, क्या कारण है? क्या कारण है, क्यों चुन रहे हैं? नौजवान आदमी है। अच्छा, और काम अच्छा कर रहे हैं रियासत साहिल। जैन भी नौजवान है आम आदमी पार्टी के, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ पंजों को ही देंगे वोट। क्या है दे रहे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों दे रहे? साफ सफाई, मेहनत कर रहे हैं। पांच साल पहले हार के चले गए वो, कभी 5 साल में कोई नहीं पलटा है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार जब भी रही उसने पूरे एरिया की सत्यानाश कर दिया,
कूड़े के ढेर पे ढेर लगे हुए हैं। अब ये जो हमारे बड़े भाई हैं रियासत साहिल साहब, ये एक नौजवान है, चुनाव तो अभी 4 दिन से हो रहा है, ये 10 साल से इस एरिया के अंदर मेहनत कर रहे हैं। अभी इनके पर कोई पद नहीं है इनके पास, लेकिन ये लोगों की फिर भी हेल्प करते हैं, लोगों के हर काम में खड़े रहते हैं और अपनी जात से ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। सत्य शर्मा जो हमारी काउंसलर थी, वो 10 सालों के अंदर कभी हमारे एरिया में नहीं आई, और हम जो रियासत साहिल को आज चुन रहे हैं वो इसीलिए चुन रहे हैं कि हमारे पास मुद्दे जो हैं वो सिर्फ सफाई का मुद्दा है। और क्योंकि काउंसलर के चुनाव के अंदर 2 से 3 मुद्दे आते हैं, एरिया की सफाई और बुजुर्गों की थोड़ी सी पेंशन वगैरह होती है, ये हमारा काउंसलर कराता है, तो ये हमारे नौजवान साथी हैं। ये लग रहा है कांग्रेस जीतेगी सब जगह से, और कोई काम नहीं करना, भाजपा वालों ने काम करा, ना आम आदमी ने, आम आदमी थे कांग्रेस में इसलिए आए हम, किसी ने काम करके ही नहीं दिया कुछ भी, कूड़ा सारी चीजें खराब कर रखी है। लड़का जवान है साहिल, और ये जीतेगा, सारे काम करेगा, और इसका काम पकड़ ले, बच्चा पकड़ ले, बड़ा पकड़ ले, भागा फिर आओ, 4 साल से मेहनत कर रहा हो, सब कुछ करेगा। आम आदमी को भी जिता के देख लिया, कांग्रेस को भी को पहले चांस दे रहे हैं हम, बहुत दिनों के बाद, 15 साल के बाद। भाजपा 4 दफे रह चुकी यहाँ पे, कोई काम नहीं करा, 3 दफे कोई काम ही नहीं करा आज तक भाजपा वालों ने। सत्य शर्मा इससे पहले 2 दफे रह गई, कोई काम नहीं करा, कोई नहीं आता है यहाँ पे, कूड़ा का ढेर है कहाँ। आम आदमी पार्टी ने इतना काम कर दिया है, बीजेपी ने इतना काम कर दिया, वो कुछ नहीं किया आम पार्टी, वो तो पक्का, वो अंदर अगर आप स्कूल के अंदर में चले जाइए तो वो पहले 50 चक्कर लगाओ तब जाकर के 1 चक्कर में काम होता है, कुछ नहीं होता है। वो आम पार्टी क्या किया है, कुछ नहीं किया आज तक। अब पानी बिजली और वो करा, मैं फ्री कर दूँ, पहले तो चूस लेता है, उसके बाद पानी बिजली फ्री करता है, वो कुछ नहीं किया भाई हमारे लिए। आज जो आज तक काम हो रहा है सब कांग्रेस का किया हुआ है, अभी साइन किया हुआ है कांग्रेस, सब काम हो रहा है, नाम है नरेंद्र मोदी का और आम पार्टी का कोई काम नहीं है। हाँ, सारा काम किसने किया है? सारा काम कांग्रेस का साइन किया हुआ है, वो आम पार्टी और ये कर रहा है, बीजेपी कर रहा था, आदमी पब्लिक ये समझ रहा है, हाँ भाई ये सब बीजेपी करवा रहा, आम पार्टी करवा रहा, कुछ नहीं करवाया वो।